टाइटल इंडिकेट द नेम ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हर्षवचरित हेमचंद्राचार्य वाज एसोसिएटेड इन दिस बुक। ये किताब हमें इंडिकेट कर रही है कि सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य के सहयोग से ये किताब लिखी गई थी। दिस बुक वाज कंसाइडर सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वाज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग द प्रोसेशन इन पाटन। ये किताब के बारे में ये कहा जाता है कि ये बुक जब बन गई थी तो लिखी गई थी तो इस बुक को बहुत इम्पॉर्टेंट दिया गया था। उसे हाथी के पीठ पे रख करके पूरे शहर में पाटन में घुमाया गया था। उसे बहुत यानी सम्मान दिया गया था। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेस वेयर आल्सो रिटेन ड्यूरिंग दैट टाइम। यहाँ तक नहीं केवल पोएट्री नहीं बल्कि किताबें भी कुछ लिखी गई थी उस समय के टाइम में। बहुत से नाटक भी लिखे गए थे उसमें उस टाइम में। भवभूति रोट उत्तर रामचरित्र वाइल पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखा था जबकि पंडित नारायण ने हितोपदेश। एक स्टोरी बुक के कलेक्शन है उसे लिखा गया था और दूसरा ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेसिस ऑन पंचतंत्र। एक स्टोरी पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुना होगा। कलेक्शन बुक ऑफ कलेक्शन है, स्टोरीज की कलेक्शन है, उसे भी उसी समय लिखा गया। आइदर योर स्कूल आर ए नियर बाई लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक्स कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ पॉपकॉर्न। तुम्हारे बुक या नियर बाई कोई लाइब्रेरी, तुम्हारे स्कूल या नियर बाई कोई लाइब्रेरी हो तो ये बुक्स आपको वहाँ पे कलेक्ट स्टोरी की और पॉकटेल्स की मिल जाएगी। और हम इसके बारे में कुछ एक्टिविटी करनी है। पोएट ऑथर का नाम है विशाखा दत्त जिन्होंने किताब लिखी मुद्रा राक्षस। कलहर जिन्होंने राज तरंगड़ीन बुक लिखी। बिल्हन जिन्होंने विक्रमादेव चंट लिखा। सोम देव जिन्होंने कथा सरित सागर लिखा। चंदवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज राशो लिखा। मृथंगा जिसने प्रबोध चिंतामणि प्रबोध चिंतामणि नामक पुस्तकें लिखी। यानी इस ये सारी पुस्तकें हमें राजपूत युग के समय में लिखी हुई मिलती हैं ये सारी बुक्स। आर्किटेक्ट एमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द राजपूत एज टेम्पल कंस्ट्रक्शंस इन नॉर्थवर्दी। जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए राजपूत एज में उसमें मंदिरों का कंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द राजपूत किंग्स वेयर फॉन्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ग्रांड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग। राजपूत राजा जो थे वो उन्हें बहुत पसंद था बहुत विशाल और कलाकृति जो है बिल्डिंग बनाने की, कलात्मक बिल्डिंग बनाने की। द आर्किटेक्चर्स एंड द स्कल्पचर्स ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल फोर्ट पैलेसेज लेक्स एक्सेट्रा। आर्किटेक्चर्स के बारे में अगर हमें जानना हो तो उसके एविडेंट के रूप में आज भी हमें टेम्पल फोर्ट महल और लेक्स एक्सेट्रा आदि चीज़ें मिलती हैं। एमंग द टेम्पल खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पूरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ए आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्ट्स एंड स्कल्पचर। टेम्पल्स में हम देखें तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। पूरी टेम्पल भगवान जगन्नाथ का जो फेमस टेम्पल है आर्किटेक्ट्स और स्कल्पचर्स का अद्भुत नमूना है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ट इन ड्यूरिंग दैट टाइम। भगवान सूर्य का मंदिर कोणार्क में जो है बना हुआ वो उसी समय का बना हुआ है। द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट फाइनेस एंड वॉज सेप लाई के चेरिया ड्राइवन बाई सेवन हॉर्सेस। जो कोणार्क का टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया है वो बहुत ही फाइन तरीके से बनाया गया है और उसका सेप इस तरह से दिया गया है कि ऐसे लग रहा है कि सात घोड़े उसे खींच रहे हैं। एमंग द सात घोड़े उसे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमंग द अदर सन टेम्पल ऑफ इंडिया द मारथंड टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड द मोधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। सूर्य मंदिर में जितने भी सूर्य मंदिर हैं उस सूर्य मंदिर में जो है हमारे मारथंड टेम्पल कश्मीर का और मोधेरा सन टेम्पल गुजरात का बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मोधेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडियल। एक कहावत कही जाती है, एक सत्य बात यह है कि मोधेरा टेम्पल में जो फर्स्ट रे सूर्य भगवान की होती है वो डायरेक्टली उसकी मूर्ति पर पड़ती है। द इलोरा केव ऑफ द डेक्कन हैव केव रिप्रेजेंटिंग थ्री रिलीजियस हिंदुज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इलोरा केव, इलोरा की गुफाएं अभी जो डेक्कन में हैं
वो केव्स रिप्रेजेंट करती हैं तीन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों के बारे में हमें बताती हैं। वन एमंग दीज आर द ग्रैंड कैलाश टेम्पल, इसमें से एक बहुत विशाल कैलाश टेम्पल भी है। द एलिफेंटा केव नियर मुंबई है वे ब्यूटीफुल, और मुंबई के नज़दीक में एलिफेंटा केव भी है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो इस केव में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई हुई हैं। मुंबई द ब्यूटीफुली तरीके से बनाई गई हैं, सुंदर तरीके से बनाई गई हैं, जिसमें भगवान शिव के तीन मुख दिखाई देते हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज़ फेमस ऑल ओवर द इंडिया, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई का पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवे कॉल्ड गोपुरम, जो साउथ इंडिया के टेम्पल हैं वो स्पेशली इसलिए ज़्यादा माने जाते हैं कि वहाँ की जो गेटवे बनी है उसे गोपुरम कहा जाता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स, इन ऐसे महान टेम्पल के बारे में सुनने के बाद मेनी फॉरेनर इन्वेडर्स केम टू लूट दें, बहुत से विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए और उसे लूटने की कोशिश की। द मैग्निफिशेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ द गुजरात वॉज अटैक्ड मेनी टाइम्स, और आपको पता ही होगा कि गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है वो कई बार जो है लूटा गया है और कई बार उस पर आक्रमण किया गया है।